हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं शॉर्ट एग्जांपल 8 ऑफ योर टेस्ट बुक पेज नंबर 9। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन। तीन तीन क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है। पहला है ट्रू डिस्काउंट, नेक्स्ट है मेरा बैंकर्स डिस्काउंट और लास्ट है मेरा बैंकर्स गेन। ऑन अ बिल ऑफ रुपीज 64,800, 64,800 का बिल है, मतलब 70 मुझे पता है। ठीक है, 64,800 ड्यू 3 मंथ हैंस, एन जो है वो मेरा 3 मंथ है। ठीक है, हैंस डिस्काउंटेड एट 5% पर एनम, बैंक के साथ में वो डिस्काउंट करवाया गया 5% पर एनम के साथ में, पर एनम के रेट के हिसाब से। ठीक है, डिस्काउंटेड बढ़ाया मतलब बैंक के साथ में हमने 5% में डिस्काउंट करवाया। तो बी डी का सब सब इंफॉर्मेशन मुझे पता है, एच डी पता है, एन पता है, आर पता है, सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं बी डी मतलब बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड कर सकता हूँ। राइट स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा, एच डी 64,800, एन 3 मंथ, मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया विच कम्स टू 1/4, करेक्ट। आर मेरा 5% दिया हुआ है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, तीन चीज फाइंड यहाँ पे करना है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, यहाँ पे मैं एक भूल चुका हूँ, यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है ना, ये भी हमें फाइंड करना था, बैंकर्स डिस्काउंट। तो ये तीनों चीज़ मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बैंकर्स डिस्काउंट ही यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या, सम डी इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। ये क्यों कर रहा हूँ कि बैंकर्स डिस्काउंट की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में अवेलेबल है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट्स मैंने, फर्दर मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, 810। तो मुझे यहाँ पे बी डी मिल गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरा मिल गया। ठीक है ना, तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है अभी ट्रेड डिस्काउंट। तो बैंकर्स गेन कुछ नहीं, बैंकर्स गेन बी डी और टी डी का डिफरेंस है, राइट। तो मुझे अभी बी डी तो मिल चुका है, टी डी मिल जाएगा, तो बी डी और टी डी को माइनस करूँगा तो मुझे बैंकर्स गेन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है वो टी डी। ओके, टी डी टी डी टी डी फाइंड करने के लिए प्रेजेंट वर्थ मुझे पता होना चाहिए, प्रेजेंट वर्थ तो मुझे पता नहीं। ठीक है ना, तो मैं प्रेजेंट वर्थ से टी डी का फाइंड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, बी डी का फॉर्मूला यूज कर, नहीं सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, बी जी वाला। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, बी जी इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, बैंकर्स गेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बैंकर्स गेन क्या है मेरा, बैंकर्स गेन मेरा कुछ नहीं है, बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बरूबर ना, ये दोनों फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा टी डी को फाइंड करने के लिए, करेक्ट। आप बोलोगे सर आपको बी जी भी नहीं पता, बरोबर ना, तो मैं आपको बताता हूँ हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा बी डी, यहीं पर रखूँगा मैं, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना नेक्स्ट स्टेप पे, सॉरी मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन। तो बी डी क्या है मेरा, बी जी माइनस टी डी, बी जी माइनस टी डी। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, पहले मैं टी डी को ए एज्यूम कर लिया, फिर बी डी क्या है मेरा, टी डी प्लस बी डी क्या है मेरा, टी डी प्लस बी जी, बरूबर ना। टी डी जो है वो इक्वल टू गिव तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टी डी प्लस बी जी बोलो या बी जी प्लस टी डी बोलो, तो टी डी को मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट याद आ रहा, कौन सा फॉर्मूला है ये आपका बी जी का फॉर्मूला है, करेक्ट। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, बी जी का फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे बी जी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बी डी क्या था मेरा, टी डी प्लस बी जी था, टी डी हैज इट इज नॉट टर्म कर दिया, बी जी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे भी टी डी, यहाँ पे भी टी डी, सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड करनी है, टी डी, एन तो मुझे पता है, आर तो मुझे पता है, बरूबर ना, एन दिया हुआ 1/4, आर दिया हुआ है 5%, दोनों पता है, सिर्फ मुझे टी डी नहीं पता। तो अभी मैं यहाँ पे टी डी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही एलिमेंट मिसिंग होता था हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों में से टी डी टी डी था, टी डी को कॉमन बाहर ले लिया, टी डी जब कॉमन बाहर आ गया तो क्या बचा, टी डी जब कॉमन बाहर आ गया तो बचा ए इंटू एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, टी डी को मैंने बाहर लिख दिया, ये फर्दर मैंने इनको खाली ब्रैकेट में रखा, मैंने कॉमन नहीं लिया, टी डी को मैंने बाहर कर दिया। मैं सबसे पहला ये ब्रैकेट को क्या करूँगा स्टूडेंट्स, सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस ए अपॉन ए टी, बरूबर 5 1 जा और 5 20 जा, करेक्ट। ये तो सॉल्व हो गया,
तो ऊपर ए बच्चा खाली और नीचे 24 जा 18, तो मुझे मिल गया ए प्लस ए अपॉन 18। तो मैंने पूरा जो इक्वेशन था या फिर ये टर्म था, ये पूरे टर्म को सॉल्व कर दिया और इसका आंसर मुझे मिला ए अपॉन 18। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मैं ए 80 को सिर्फ ऐसे लेके नहीं जा सकता जब तक ये पूरे कॉमन डिनोमेटर नहीं हो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला 80 ए प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 80 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो 80 ए, 1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए, और 80 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 18 नीचे आया। ठीक है, फर्दर मैं 80 को राइट हैंड साइड में 81 अपॉन ए हो गया टोटल। मैंने फिर ए को एक तरफ रखा, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया। तो क्या मिला मुझे, 810 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 81। हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 81 वन जा और 81 टेन जा। तो इस तरीके से मुझे ए का इन्फॉर्मेशन मिल गया। ए कितना मिला स्टूडेंट्स मुझे, 800। ए कितना मिलेगा मुझे, 800। ए क्या मेरा ट्रेड डिस्काउंट, ए ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल गया, ये मेरा सेकेंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे फाइंड करना था वो बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन कुछ नहीं है, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस है। तो मैं बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 8 टाइम बैंकर्स डिस्काउंट जो हमें यहाँ पे मिला था, राइट, और अभी हमने ट्रू डिस्काउंट फाइंड किया 800, दोनों का डिफरेंस कितना आया 10। तो बैंकर्स गेन कितना हुआ स्टूडेंट, 10। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।